दिल्ली नगर निगम द्वारा केंद्र सरकार की सरल योजना के तहत बिल्डिंग के नक्शे पास किए जा रहे हैं इन नक्शा पास योजना में कितनी धांधली चल रही है इसका एक उदाहरण बुरारी मुख्य मार्ग स्थित कौशिक एन्क्लेव में देखा जा सकता है जहां रिहायशी बिल्डिंग के नक्शे पास करवाए गए हैं और खुलेआम बड़ी बड़ी कमर्शियल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है इसके बावजूद दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग विभाग एवं इंजीनियर विभाग के अधिकारी उपरोक्त इमारतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझते सरल योजना के तहत दिल्ली में बिल्डिंग के नक्शे पास करवाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल कमिश्नर बिल्डिंग विभाग को सरल योजना के तहत मंजूर किए सभी नक्शों की जांच के आदेश दिए हैं मिली जानकारी के मुताबिक बुरारी मुख्य मार्ग स्थित कौशिक हॉस्पिटल के निकट तीन बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट पर मंजूर नक्शों की सूची डाली गई है जिसमें ये तीनों इमारतें भी सूचीबद्ध हैं नक्शा नंबर एक शून्य एक शून्य एक छ सात एक रिहायशी नक्शा दिखाया जा रहा है जिसे शेखर त्यागी द्वारा पास करवाया गया है ठीक इसी तरह नक्शा नंबर एक शून्य एक शून्य एक पाँच सात पाँच अनिल त्यागी द्वारा पास करवाया गया है और नक्शा नंबर एक शून्य एक शून्य एक छः सात सात राकेश कुमार त्यागी द्वारा मंजूर करवाया गया है यह तीनों ही इमारतें खसरा नंबर चार सौ इकहत्तर बटा एक लालडोरा एक्सटेंशन कौशिक एनक्लेव बुरारी गली नंबर एक में बनाई जा रही है दिल्ली नगर निगम की सूची में तीनों नक्शों को रिहायशी बताया जा रहा है जबकि तीनों इमारतें कमर्शियल बनाई जा रही हैं एडिशनल कमिश्नर बिल्डिंग डिपार्टमेंट को इस बारे में जांच कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए